नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की नई पहल एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही खबरों की स्टैटिक पोर्शन पर आपसे चर्चा करते हैं, ताकि स्टैटिक पोर्शन से संबंधित आपकी तैयारी मजबूत हो सके और इस मजबूत तैयारी के आधार पर आप अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सके। आज जिन पाँच खबरों को इस प्रोग्राम में हम शामिल करने जा रहे हैं वे हैं स्लोथ बियर, ग्रेट बैरियर रीफ, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसको न्यायाधिकरण के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भी इसको कहते हैं, साथ ही एक महत्वपूर्ण संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है जिसको हम साइट्स के नाम से जानते हैं, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे और फिर अंत में बात होगी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये सभी पांच टॉपिक किसी न किसी कारण से पिछले सप्ताह चर्चा में रहे हैं और इसलिए आज हमारी चर्चा का विषय बनेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्लोथ बियर की। ये खबर चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ में स्लोथ बियर ने एक 28 साल के युवक पर हमला करके उसकी हत्या कर दी और साथ ही दो अन्य लोगों को घायल कर दिया। स्लोथ बियर लगातार अपने आवासों की सिकुड़ने के कारण उनका ह्यूमन इंटरेक्शन यानी मानवीय सामना लगातार बढ़ रहा है और इसके कारण स्लोथ बियर के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो स्लोथ बियर के बारे में सामान्य जानकारी यह है कि इनका वास स्थान हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ रहते हैं। दक्षिण एशिया में सामान्य तौर से पाए जाते हैं और कौन से देशों में पाए जाते हैं? श्रीलंका, भारत, भूटान, नेपाल में मुख्य तौर से तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, साथ ही बांग्लादेश में भी आपको इनकी संख्या देखने को मिल जाएगी। भारत और श्रीलंका के उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्य तौर से ये देखे जाते हैं। मुख्य रूप से किसको खाते हैं? इनका मुख्य आहार होता है दीमक और चींटियां, साथ ही ये भालुओं की अन्य प्रजातियों के विपरीत अपने शावकों को यानी अपने बच्चों को पीठ पर लेकर के चलते हैं, उनको पीठ पर बैठा करके घूमते हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में ये है कि अपने शहद खाने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं और इसलिए इनको हनी बियर भी कहा जाता है। स्लोथ बियर हाइबरनेट का क्या मतलब हुआ? शीत निद्रा की स्थिति में नहीं जाते हैं और इनका वैज्ञानिक नाम है मेलोरसस अर्सिनस। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिएगा, मेलोरसस अर्सिनस इनका वैज्ञानिक नाम है। और तथ्यों को जाने तो इनकी जो दर्जा है, इनका जो स्टेटस है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट है जिसमें किसी भी प्रजाति का एक दर्जा तय किया जाता है, एक स्टेटस तय किया जाता है कि वो खतरे के किस स्तर पर है, क्या वो लुप्त प्राय है या केवल संकटग्रस्त है या अत्यधिक संकटग्रस्त है, तो उनकी लिस्ट में ये सुभेद्य है, वल्नरेबल है, यानी ये आप इसको कह सकते हैं कि इस स्थिति में तो नहीं आता कि जंगली क्षेत्रों में लुप्त प्राय स्थिति में जाने वाला है, लेकिन एक वल्नरेबल प्रजाति है और जिसके संरक्षण के प्रयास किए जाने चाहिए, सुभेद्य प्रजाति है। साथ ही अगर हम इसके खतरों की बात करें कि किस प्रकार के खतरे स्लोथ बियर के सामने उपस्थित हैं, तो सबसे बड़ा खतरा जो कि आजकल लगभग सभी वन्य जीव प्राणियों के लिए बना हुआ है वो है आवास स्थल का खतरा, क्योंकि उनकी आवास स्थल लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। तो यही समस्या स्लोथ बियर के साथ भी है, उनका निवास स्थान सिकुड़ रहा है, निवास स्थान की लगातार हानि हो रही है और ये स्लोथ बियर के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है। साथ ही इनके शरीर के अंगों के लिए इनका अवैध व्यापार भी किया जाता है, अवैध शिकार भी किया जाता है, तो इसके कारण भी इनको खतरा है। तमाशा दिखाने के लिए अलग अलग तरह के प्रदर्शनों में आपने देखा होगा जिन भालुओं को आप देखते होंगे पकड़ करके, जिनको तमाशा दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो सामान्यतः स्लोथ बियर होते हैं और इसके कारण भी इनको खतरा है। साथ ही ये अपने आक्रामक व्यवहार के लिए भी जाने जाते हैं और फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए कई बार लोग डर कर भी इन पर हमला कर देते हैं, जो इनकी संख्या घटने के लिए जिम्मेदार है, और फसलों को नुकसान से बचाने के लिए भी व्यक्ति इन पर हमले करते हैं, तो उससे भी इनको एक सामान्यतः खतरा रहता है। ये स्लोथ बियर के बारे में सामान्य तथ्य हुए। हमारी अगली खबर है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ मूंगा चट्टाने हैं जो कि बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ये क्वींसलैंड का एरिया है उत्तर ऑस्ट्रेलिया का, और ग्रेट बैरियर रीफ की आप देख सकते हैं कि कितने बड़े क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में फैले हुए हैं, और ये एक सामान्य तस्वीर आप देख सकते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ लगातार चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में एक अध्ययन सामने आया है, जो अध्ययन हमें बताता है कि पिछले 400 वर्षों में जिस प्रकार से पृथ्वी के तापमान में, पृथ्वी के वायुमंडल में लगातार
वृद्धि हो रही है उससे ग्रेट बैरियर रीफ का अस्तित्व खतरे में है, जो कि जैव विविधता के संकट को रिफ्लेक्ट करता है, उसको प्रतिबिंबित करता है, और इसलिए इस संकट से निपटने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सामान्य तथ्यों को पता करें। सामान्य तथ्य क्या है? विश्व का सबसे व्यापक और समृद्ध प्रवाल भित्ती पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे समृद्ध इसको माना जाता है, प्रवाल भित्तियों से सुसज्जित इकोलॉजिकल सिस्टम। प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं? प्रवाल के बारे में सामान्य तथ्यों को जान लेना चाहिए, और इसके बारे में जो सबसे बुनियादी तथ्य दिए गए हैं वो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, और एनसीईआरटी का तथ्य ही आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जो प्रवाल पॉलिप्स होते हैं वो कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी होते हैं, बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं और बहुत सूक्ष्म प्राणी होते हैं, और समूहों में रहते हैं, समूहों में रहते हैं, और इनका विकास बहुत ही ऊपरी छिछले जल में होता है, और थोड़ा सा जल कैसा होता है? गर्म होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का लगातार स्राव होता रहता है, और प्रवाल स्राव और प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षित होती रहती हैं। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है और जो प्रवालों की अस्थियां होती है, क्योंकि बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं, ये टीले के रूप में निक्षेपित होते रहती हैं, और इसलिए प्रवाल बढ़ते रहते हैं। मुख्यतः प्रवाल तीन प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ती और प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, वो प्रवाल रोधिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, और प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्सशू आकार के रोधिका होते हैं। ये इसके बारे में सामान्य तथ्य हुए। क्वींसलैंड कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट में लगभग 1400 मील तक ये फैला हुआ है। जीवों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना इसे माना जाता है, और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र यानी बहुत ही रिच इकोलॉजिकल सिस्टम अरबों छोटे जीवों से मिलकर के बना है। अभी हमने इनकी बनने की प्रक्रिया बताई कि किस प्रकार से छोटे छोटे पॉलिप्स की अस्थियां और उनके द्वारा श्रावित कैल्शियम कार्बोनेट के निक्षेपण से इनका निर्माण होता है। समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है और अरबों छोटे जीवों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें प्रवाल पॉलिप्स कहते हैं। वर्ष 1981 में इस ग्रेट बैरियर रीफ के महत्व को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी चुना था। इसके बारे में ये सामान्य तथ्य हुए। भारत में प्रवाल भित्ति के कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं? भारत में चार क्षेत्र हैं, मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और कच्छ की खाड़ी। ये भारत के चार प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र है। प्रवालों के लाभ क्या होते हैं? लाभ ये होता है कि ये प्राकृतिक आपदाओं से मानवता की रक्षा करते हैं। किस प्रकार से रक्षा करते हैं? जैसे ये तटीय क्षेत्रों में जब विकसित होते हैं तो एक रोधिका के रूप में, अभी हमने बताया कि प्रवाल रोधिका, रोधिका शब्द क्यों आया? क्योंकि एक रोधिका के रूप में भी काम करते हैं। जैसे अगर मान लिया कोई भी चक्रवात आते हैं तो चक्रवातों की गति को तटीय क्षेत्रों में सीमित करने में इनकी भूमिका होती है, जिससे मानव हानि और अन्य प्रकार की हानि पर एक अंकुश लगता है। तो प्राकृतिक आपदाओं से ये मानवता की रक्षा करते हैं, साथ ही इस क्षेत्र को एक टूरिज्म के क्षेत्र में, जहां भी ग्रेट बैरियर रीफ है या प्रवाल भित्तियां हैं, उनको टूरिज्म के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है, जो न केवल मनोरंजन का साधन बनता है बल्कि लोगों के लिए रोजगार और आजीविका का भी एक महत्वपूर्ण साधन बनता है, और साथ ही सरकार के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। ये जो प्रवाल भित्तियां होती है, यहाँ पर बहुत अन्य अन्य प्रकार की मछलियां, स्टारफिश, समुद्री एनिमल, इनका भी एक आवास होता है, तो उनको, समुद्री जलीय जीवों को एक आवास प्रदान करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और इसलिए विशिष्ट महत्व है। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? मूंगा की चट्टानों का इनका प्रयोग आभूषणों में होता है। कोरल ब्लॉक जो होते हैं उनका उपयोग इमारतों और सड़क निर्माण के अंतर्गत भी किया जा सकता है। साथ ही मूंगे की जो चट्टाने होती हैं, मूंगों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले चूने का उपयोग सीमेंट उद्योग में भी किया जा सकता है। तो ये इसके महत्वपूर्ण उपयोग हैं। इस क्षेत्र को या मूंगे की चट्टान जो अलग अलग विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित है, चाहे वो ग्रेट बैरियर रीफ हो या भारत की कच्छ की खाड़ी हो या मन्नार की खाड़ी हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रवाल भित्तियां हो, इनको खतरा किस प्रकार का है? क्योंकि अलग अलग देश आजकल अपने तटीय क्षेत्र का विकास करने के लिए अलग अलग तरह की औद्योगिक गतिविधियां कर रहे हैं, तो तटीय विकास की प्रवृत्तियों से इनको खतरा है। साथ ही मछली पकड़ने के नए नायाब तरीके लगातार विकसित हो रहे हैं, जिससे ये जो मछली पकड़ने के, जैसे ट्रोलिंग एक तरीका है, तो उससे
इन प्रवाल भित्तियों को नुकसान होता है, उनके लिए विनाशकारी इस तरह के तरीके साबित होते हैं। साथ ही घरेलू और औद्योगिक सीवेज, जो गंदा पानी निकलता है और वो तटीय क्षेत्रों में जाता है, वो भी इनके लिए प्रदूषण का एक स्रोत बनता है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि मानव जनित गतिविधियां, चाहे वो तटीय विकास से संबंधित हो, चाहे वो विनाशकारी मछली पकड़ने के तरीके हो, और चाहे औद्योगिक और घरेलू सीवेज हो, मानव गतिविधियों के कारण इनके अस्तित्व को एक खतरा उत्पन्न हुआ है। बढ़े हुए अवसादन, अवसादन मतलब मान लिया कोई भी तरल पदार्थ होता है तो उसमें छोटा सा भी कणीय पदार्थ जो थोड़ा भारी होता है तो उसका निक्षेपण नीचे के तट पर होता रहता है, नीचे के हिस्से पर होता रहता है, उस प्रक्रिया को हम अवसादन कहते हैं। तो बढ़े हुए अवसादन, अति शोषण और आवर्ती चक्रवात, यानी बार बार आने वाले चक्रवातों के कारण इनको खतरा है। साथ ही तटीय क्षेत्रों में रहने वाली मानव आबादी के कारण फैलने वाले संक्रामक सूक्ष्म जीवों के कारण काली पट्टी और सफेद पट्टी जैसे प्रवाल रोग भी फैलने से प्रवाल भित्तियों को एक महत्वपूर्ण खतरा उपस्थित होता है। तो इस तरह के इनके सामने खतरे हैं और इनके संरक्षण के प्रयास अलग अलग स्तरों पर, वैश्विक स्तर पर चल रहे हैं और देशों के स्तर पर भी अलग अलग देश पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक और खबर पिछले सप्ताह में जो चर्चा में रही वो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इसको कई जगह आप देखेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, एक ही मतलब है इसका। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण क्यों चर्चा में था? चर्चा में इसलिए था क्योंकि हाल ही में इसने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है और वो निर्णय ये है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी आप कह सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र हैं जिनको आप परिभाषित कर सकते हैं ऐसे क्षेत्र के रूप में जो कि अतिक्रमित क्षेत्र है, जो कि अनधिकृत क्षेत्र है, अतिक्रमित सही शब्द नहीं होता, नहीं हो सकता, अनधिकृत क्षेत्र है, तो अनेक अनधिकृत क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का निपटान नहीं किया जा सकता। अगर अनधिकृत क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति ठोस अपशिष्ट का निपटान करता है तो उस पर 5,000 से 50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था अपने एक निर्णय में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने की है और इसी के कारण ये टॉपिक लगातार चर्चा में आ गया है। इसलिए हम आज राष्ट्रीय हरित अधिकरण की व्यवस्था को पूरा जानेंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जो स्थापना थी वो एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण, वनों का संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों को संभालना, उनको मेंटेन करना, उन अगर किसी भी तरह के विवाद उभरते हैं तो उनका निपटान करना। एनजीटी की संरचना पर बात करें, इसकी कंस्ट्रक्शन पर बात करें तो एनजीटी में एक अध्यक्ष होता है, इसमें न्यायिक सदस्य होते हैं और विशेषज्ञ सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें कम से कम, जो अगर न्यायिक सदस्यों की बात करें तो कम से कम 10 न्यायिक सदस्य और कम से कम 10 विशेषज्ञ सदस्य, और साथ ही इनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है न्यायिक सदस्यों की या विशेषज्ञ सदस्यों की? अधिकतम संख्या इनकी हो सकती है 20। यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य हों, यही बात यहाँ पर आपको कही गई है। अब हम इसके सदस्यों की अगर अवधि की बात करें, चेयरमैन की अवधि की बात करें, तो चेयरमैन की अवधि कितनी होगी? 5 वर्ष की अवधि के लिए उसको चुना जाता है, अथवा 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस तक वो अपने पद पर रहता है और पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। सदस्य क्या होगा? चेयरमैन क्या होगा? पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी? अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति भी बनाई जाती है। इसके बारे में अगर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें, इसकी शक्तियों को और इसके अधिकार क्षेत्रों पर बात करें तो बेहद विस्तृत न्याय क्षेत्र इसका होता है। उन सभी मामलों की सुनवाई ये कर सकता है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण का मुद्दा शामिल होता है। पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करना, कानूनी अधिकारों को लागू करना भी इसका एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है। अक्टूबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। वो निर्णय क्या था? उस निर्णय में कहा गया कि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है, वो एक विशिष्ट मंच है जो देश भर में पर्यावरणीय मुद्दों को उठाने हेतु स्वतः संज्ञान ले सकता है, यानी स्वो मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है और इसके अंतर्गत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। एनजीटी की भूमिका केवल न्याय निर्णय तक ही सीमित नहीं है, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है
बल्कि इसकी भूमिका बहुत व्यापक है। व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित निर्णय लेना, जहां कहीं प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, जहां कहीं निर्बंधन लगाने की आवश्यकता है, उस तरह के भी निर्णय ले सकता है। वैधानिक निकाय होने के कारण, वैधानिक निकाय किस प्रकार का निकाय होता है? ऐसा निकाय जिसकी स्थापना लोक के माध्यम से, लोक संसद द्वारा पारित लोक के माध्यम से की जाती है। तो एनजीटी किस प्रकार का निकाय है? वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, यानी अगर कहीं और निर्णय किसी के पक्ष में नहीं आता है तो एनजीटी में क्या है, अपील भी की जा सकती है। अपीलीय क्षेत्राधिकार भी इसको दिया गया है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बाध्य नहीं है। इसके आदेश, निर्णय और अधिनिर्णय, जब ये अपने आदेश देता है, निर्णय देता है या अधिनिर्णय देता है, तो उस समय ये आवश्यक होता है इसके लिए कि एनजीटी उस पर सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, निवारक यानी प्रिकॉशनरी और प्रदूषक भुगतान यानी पॉल्यूटर पेज जैसे सिद्धांतों को लागू करे। प्रारंभ में जब इसको स्थापित किया गया था तो एनजीटी को 5 स्थानों पर स्थापित किया गया था। इसका जो मुख्य बैठक का केंद्र है वो है नई दिल्ली और 4 और स्थान है भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। इसके माध्यम से पूरे देश को कवर करने का प्रयास किया गया है ताकि पर्यावरणीय संबंधी विवादों का समाधान किया जा सके। और ये जो स्थापना की गई है, अलग अलग बैठकों के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित किया गया है, ये वस्तुतः इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए एक सर्किट प्रक्रिया का इस्तेमाल करने का एक तरीका है ताकि एक पहुंच इसकी बढ़ाई जा सके। तो ये बात हुई एनजीटी की। एक और संस्था लगातार चर्चा में रही जिसको हम साइट्स के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जो जंगली जीव और वनस्पतियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, गलत तरीके से व्यापार होता है, उस पर ये एक कन्वेंशन है। और ये ऐसी जंगली जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियां होती हैं जो कि एंडेंजर्ड होती हैं, संकटग्रस्त होती हैं, लुप्त प्राय होती हैं, और इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण लगाना बेहद आवश्यक होता है। हाल ही में साइट्स ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, उस निर्णय के अंतर्गत कहा कि जो भारतीय अगरवुड है, जो एक महत्वपूर्ण लकड़ी है जो कि जिसमें रेजिन भी होता है और जिसके अलग अलग उपयोग हैं, उसके वार्षिक निर्यात कोटा को बढ़ाने के की इसने अनुमति दे दी, उसको अधिसूचित कर दिया गया है। तो इसके कारण ही साइट लगातार चर्चा में आ गया है। साइट्स के बारे में सामान्य तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। यह है क्या? सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसमें कौन कौन से कितने देश, सदस्य देश जुड़े हुए हैं? 184 सदस्य देश इसमें जुड़े हुए हैं। इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। भारत इससे कब जुड़ा? 1976 में 25वां भागीदार देश भारत इसका बना। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना कि जंगली पशुओं और पौधों की प्रजातियों के अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरे में न डाला जाए, इस बात को सुनिश्चित करना। वे देश जो साइट्स में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं उनको क्या कहा जाता है? पार्टियोज के रूप में पहना जाता है, पार्टीज के रूप में, तरह से हम कहते हैं ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो अगर कोई सदस्य देश इससे जुड़ता है तो उसको पार्टी कहा जाता है, देश को पार्टी कह करके संबोधित किया जाता है। यद्यपि साइट्स पार्टियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, यानी जो देश है उस पर साइट्स जो है, ये जो कन्वेंशन है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है, माफ कीजिएगा, कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं लेता। साइट्स क्योंकि एक एक प्रकार का कन्वेंशन है, तो अगर आप कोई भी देश इसका पार्टी बन जाता है तो कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाता है, इसका जो कन्वेंशन में व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन ये जो कन्वेंशन है ये राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं लेता है, इस तथ्य को याद रखिएगा। साइट्स में 3 परिशिष्ट दिए गए हैं, अपेंडिक्स दिए गए हैं, और अलग अलग वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों को खतरे के हिसाब से इसमें शामिल किया गया है। परिशिष्ट 1 में उन प्रजातियों को वनस्पति प्रजातियों को या जीवों की प्रजातियों को शामिल किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण बेहद ज्यादा खतरे में है और जिनके लिए त्वरित कदम उठाने चाहिए उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकने के लिए। तो परिशिष्ट 1 की बात कर लेते हैं, साइट से संबंधित ऐसी प्रजातियां इसके अंतर्गत सूचीबद्ध हैं जो वन्य जीवों और पौधों में सबसे अधिक संकटापन है, जिनको सबसे ज्यादा संकट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण। कैसी प्रजातियां हैं, कौन कौन सी हैं? जैसे गोरिल्ला है,
समुद्री कछुए हैं, अधिकांश ऑर्किड प्रजातियां हैं, विशाल पांडा भी इसी के अंतर्गत आता है। जिस स्लोथ बियर की हमने बात की वो भी अनुसूची एक में आता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो लिस्ट रेड लिस्ट है उसमें उसको वल्नरेबल का दर्जा है, लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण वो परिशिष्ट एक में आता है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने चाहिए। कुल मिलाकर के परिशिष्ट एक में 1082 प्रजातियां अंतिम जानकारी के अनुसार शामिल की गई है। इन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। साइट्स क्या करता है, इन प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है, सिवाय तब के जब आयात का उद्देश्य व्यावसायिक न होकर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जा रहा हो। यानी अगर व्यापार वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जा रहा है तब इस प्रकार के व्यापार इस तरह से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है अगर किसी अन्य कारण से होता है। परिशिष्ट दो में ऐसी प्रजातियां शामिल की गई हैं जिनके निकट भविष्य में लुप्त होने का खतरा नहीं है। यानी परिशिष्ट एक में ऐसी प्रजातियां शामिल है जो निकट भविष्य में लुप्त हो सकती हैं और जो लुप्त होने का इंस्टेंट खतरा नहीं झेल रही हैं, उनको परिशिष्ट दो में शामिल किया गया है। लेकिन ऐसी आशंका है कि यदि इन प्रजातियों की व्यापार को सख्त तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो लुप्त प्राय की श्रेणी में आ सकती है। यानी त्वरित कदम इनके भी व्यापार को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अधिकांश साइट्स प्रजातियां सूचीबद्ध हैं जिसमें किस तरह की प्रजातियां आती हैं, जैसे अमेरिकी जिनसेंग, पैडल फिश, शेर, अमेरिकी मगरमच्छ, महोगनी और कई तरह की प्रवाल। वर्तमान में 34,419 प्रजातियां इसमें सूचीबद्ध हैं, जो कि बताती हैं कि अधिकांश जो साइट्स प्रजातियां हैं वो वस्तुतः इसी सूची में यानी परिशिष्ट दो में ही आती है। परिशिष्ट तीन के बारे में भी जान लेते हैं। यह उन प्रजातियों की सूची है जिन्हें किसी पक्षकार के अनुरोध पर शामिल किया गया है, यानी किसी देश के अनुरोध पर शामिल किया गया है। सामान्यतः वो देश इसके व्यापार को रोकने के लिए कानून बना चुका होता है, उसको रेगुलेट कर चुका होता है, विनियमित कर चुका होता है, लेकिन उसकी उम्मीद होती है कि दूसरे देशों को का भी इसके अंतर्गत सहयोग हासिल किया जाए। इसमें किस तरह की प्रजातियों को शामिल किया गया है, जैसे मैप टर्टल, वॉलरस, कैप स्टैग बीटल और इस प्रकार से 211 प्रजातियां इसके अंतर्गत सूचीबद्ध की गई हैं। सूचीबद्ध प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को केवल उपयुक्त परमिट या प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर ही अनुमति प्रदान की जा सकती है। इस परमिट के बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। तो ये परिशिष्ट तीन की बात हुई। एक और खबर जो लगातार चर्चा में रही फिलहाल, वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित। क्यों चर्चा में रही, क्योंकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को हाल ही में कहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का पानी व्यक्ति के नहाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हम ऐसे में हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्या व्यवस्था है, उसकी संरचना क्या है, किस तरह की वो काम करता है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक किस प्रकार का संगठन है, सांवैधिक संगठन है, यानी इसकी स्थापना भी एक संसद द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से हुई है। कौन से कानून है, जैसे इसका जो गठन है वो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन सितंबर 1974 में हुआ। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम में हाल ही में 2024 में संशोधन भी किए गए हैं, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सितंबर 1974 में हुई। साथ ही 1981 में भारत की संसद ने एक और कानून पारित किया, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। इसके अधीन भी इसको शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक फील्ड संगठन के रूप में ये काम करता है और मंत्रालय को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उपबंधों के बारे में तकनीकी सेवाएं भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदान की जाती है। मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्य किस प्रकार के करता है, कार्य करता है जल और वायु प्रदूषण के नियंत्रण निवारण और वायु गुणवत्ता में सुधार से संबंधित कार्यों को ये करता है। सुधार से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को ये सलाह प्रदान करता है। राज्य बोर्डों की गतिविधियों में समन्वय में स्थापित करना इसका महत्वपूर्ण दायित्व है और उनके बीच मतभेदों को भी सुलझाने का प्रयास करता है। साथ ही जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के लिए योजना भी बनाता है और उसका संचालन भी करता है।
जल और वायु प्रदूषण से संबंधित तकनीकी आंकड़े एकत्रित करता है, उनका संग्रहण करता है और उनका प्रकाशन भी करता है, ताकि इनके प्रदूषण से संबंधित आंकड़े हो और पॉलिसी, अगर कोई भी नई नीति बनने वाली है तो वो नई नीति एक बेहतर आंकड़ों पर आधारित हो, ताकि एक बेहतर नीति का निर्माण किया जा सके और पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्या है, जल प्रदूषण से संबंधित जो समस्या है, वायु प्रदूषण से संबंधित जो समस्या है, उनका त्वरित गति से निपटारा किया जा सके। तो ये पूरी व्यवस्था है। आज के टॉपिक से संबंधित आप जानते हैं कि जो हमारे 5 टॉपिक है, हमारी परंपरा है कि उनसे एक एक प्रश्न हम लेते हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो पहला प्रश्न आज का आपके लिए क्या है, स्लोथ बियर का IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट में दर्जा क्या है, उसका स्टेटस आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए संकटग्रस्त, ऑप्शन बी अत्यंत संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सुभेद्य यानी वल्नरेबल और उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के किनारे पर स्थित है। आपके ऑप्शंस क्या है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी या इंडोनेशिया। आपका तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस प्रकार का संगठन है। आपके ऑप्शंस हैं संवैधानिक, वैधानिक, गैर वैधानिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तीसरा प्रश्न आपका है। चौथा प्रश्न आपका क्या है, चौथा है साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं 1975, 1980, 1985 और 1990। आपका आज का आखिरी प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है। आपके ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस हैं मुंबई, बंगलुरु, अहमदाबाद या नई दिल्ली। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।